हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहें। अच्छा, आज मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कीमा स्पैगेटीज। ये बहुत टेस्टी बनती हैं और ये बहुत सिंपल भी हैं, देसी स्टाइल में थोड़ी सी। अच्छा, इसमें जाएगा कीमा, मैंने लिया है हाफ के जी से, थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, देसी कीमा मैंने ऑयल डाल लिया था 4 से 5 टेबल स्पून। इसके अंदर मैं कीमा डाल दूँगी। इसमें जाएगा अदरक पिसा हुआ भरा टेबल स्पून है, 2 टेबल स्पून। ओके, लहसुन जाएगा 2 टेबल स्पून पिसा हुआ। देखिए ये चला गया। और इसको मैं अब बंद कर दूंगी 4 से 5 मिनट के लिए ताकि कीमा अच्छे से खुल जाए और चिकन अदरक लहसुन का पेस्ट भी इसमें आ जाए और कीमे का सारा पानी बाहर आ जाए, फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, इसमें कीमा अच्छे से ना मिक्स हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, जब ये इसको स्टार्ट करना है हमने भूनने के लिए, तो इसमें हमने ऐड करना है, इसको फ्राई करने के लिए तो इसमें हमने ऐड करना है कुटी हुई मिर्च 1 टीस्पून। सॉल्ट डाल देंगे 1/2 टीस्पून, क्योंकि वैसे भी जाएगा बाद में मसालों के साथ और चीज़ों के साथ। और थोड़ा सा ब्लैक पेपर, क्योंकि वो कीमे को जब हम फ्राई करेंगे तो उसके अंदर उसका टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। 1/2 टीस्पून अब डाल दें। अच्छा, अब इसको फ्राई कर लेना अच्छी तरह, ये बिल्कुल अलग अलग हो जाए अदरक लहसुन के पेस्ट में 3 से 4 मिनट के लिए या 5 मिनट, अच्छी तरह से। लेकिन इसको फ्राई करना ताकि इसकी स्मेल चली जाए। हाँ, इसमें आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर लीजिएगा, गरम मसाला से इसकी स्मेल चली जाएगी। मैंने बीफ कीमा लिया है, आप मटन भी ले सकते हो, और थोड़ी सी फैट वाला कीमा लेना क्योंकि उससे टेस्ट अच्छा आता है, क्योंकि उसके अंदर थोड़ी सी फैट होगी तो उससे टेस्ट अच्छा आएगा। देखिए, इसको अब हम फ्राई कर लेते हैं अच्छी मीडियम फ्लेम पे, ठीक है। ये देखिए, मसाला अच्छे से भून गया, फ्राई हो गया। अब मैं इसमें सारे मसाले ऐड करूंगी। अच्छा, मैंने आपको स्पैगेटी का तरीका पिछली रेसिपी में बता दिया था, अगर मैं वो बनाती हूँ तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, वो मैं आपको बता देती हूँ। मैंने देसी में पानी उबाल लिया था, उसमें नमक काली मिर्च और ऑयल थोड़ा सा डाल के मैंने स्पैगेटी को उबाल लिया था अच्छे से। ये चला गया इसमें पिसा हुआ जीरा, पिसा हुआ धनिया 2 टेबल स्पून, नमक 1 टीस्पून, और हंसते जाएगा आप जरूरत के मुताबिक भी डाल सकते हैं, पिसा हुआ गरम मसाला 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर 2 टीस्पून, क्योंकि इसके अंदर स्पैगेटीज भी जाएंगे बाकी मसाले भी जाएंगे तो स्पाइस थोड़ा सा ज़्यादा रखना है जो नॉर्मल हम चीज़ बनाते हैं उससे, क्योंकि इसमें स्पैगेटीज जाएंगे। अच्छा, इसमें अब जाएगा हॉट सॉस, कुटी हुई मिर्च, और मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में इनको फ्राई कर लिया था। थोड़ी सी जाएगी सोया सॉस 1 टेबल स्पून कर लें, और चिली गार्लिक सॉस जाएगी। अच्छा, चिली गार्लिक सॉस जाएगी इसमें, मैंने लिया है नेशनल की, आप नॉर्मल किसी और ब्रांड की भी ले सकते हैं। इसमें जाएगी 2 से 3 टेबल स्पून, ठीक है। देखिए, और इसमें चला गया चाट मसाला 1 टीस्पून, इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, इसमें वेजिटेबल भी जाएंगी, अगर आपने वेजिटेबल ऐड करनी है तो आपका ऑप्शन है, अगर आपने नहीं करनी तो वैसे भी ये सिंपल भी बहुत अच्छी बनती है, लेकिन मैंने इसमें वेजिटेबल ऐड किए हैं शिमला मिर्च, मशरूम और प्याज लिया मैंने मीडियम साइज का। ये देखिए, अच्छे तरह से मसाला बन गया, इसको अब हम साइड पर कर देंगे। ये देखिए, मैंने अलग से एक पैन लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल लिया 4 से 5 टेबल स्पून। अच्छा, इसके अंदर मैं वेजिटेबल को फ्राई कर लूँगी। अगर आपने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट करनी है तो इसको आप थोड़ी देर के लिए, जब स्पैगेटीज डालेंगे सब डालेंगे तो उसमें आप इसको दम दे देना, लेकिन मुझे थोड़ी क्रिस्पी पसंद है तो मैं थोड़ी सी क्रिस्पी रखूँगी। शिमला मिर्च जाएगी इसमें 2 अदद मैंने लिया है, इसमें जाएगा प्याज मैंने मीडियम साइज़ का लिया है, और इसमें जाएंगे मशरूम्स, इनको मैं टोस्ट कर लूँगी नमक और काली मिर्च के साथ, ब्लैक पेपर, सॉल्ट 1/1 टीस्पून, और आप अपने तरीके से भी डाल सकते हैं हॉट सॉस 1 टेबल स्पून। देखिए, इसमें चलेगी हॉट सॉस 1 टेबल स्पून, इसमें चला गया नमक 1 टीस्पून, क्योंकि अलग करने से है कि इसके अंदर वेजिटेबल के अंदर सारे स्पाइसेस का टेस्ट आ जाएगा। 1 टेबल स्पून सॉरी चली गई काली मिर्च, और थोड़ा सा इसमें चला गया चाट मसाला 1/2 टीस्पून। अब हम इसको अच्छे से थोड़ा सा टोस्ट कर लेंगे 3 से 4 मिनट, और फिर क्योंकि हम इनको दम भी देंगे तो उसमें भी ये सॉफ्ट हो जाएंगे।
ये देखिए वेजिटेबल कितनी अच्छे से रोस्ट हो गई है। मैं इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी। देखिए हम इसको हटा देंगे और कीमे को देखिए इसके कीमा कितना ज़बरदस्त होना है। कीमे को तो लेंगे, इसके अंदर हम स्पेक्टिंग बता रहे। मैंने आपको बता दिया कि इसको कैसे आपने उबाल में इसमें चली गई सारी स्पेक्टिंग। अब इसमें चली जाएंगी सारी वेजिटेबल। वेजिटेबल ऑप्शन है, नहीं डालनी तो आप कीमे को ज़्यादा कर लें, वेजिटेबल नहीं ऐड करें, ठीक है। ये चलिए। अच्छा, टोटल मैंने इसमें 3 से 4 टीस्पून जो है वो सॉल्ट ऐड किया और 2 से 2.5 काली मिर्च ऐड की है और 2 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून मैंने जीरा ऐड किया। अब मैं इसमें लास्ट 1 टीस्पून नमक ऐड करूंगी। बिल्कुल हल्का कर देंगे। अच्छा, इसमें काली मिर्च ऐड करूंगी 1 टीस्पून, ठीक है। कुटी मिर्च ऐड करूंगी 1/2 टीस्पून। इसमें जाएगा चाट मसाला 1 टीस्पून, क्योंकि थोड़ा सा स्पाइसी वाला टेस्ट आएगा देसी का। अच्छा, इसमें जाएगी सोया सॉस 2 टेबलस्पून। फिर हम इसको अच्छे से टोस्ट करके, अच्छे से फ्राई करके, तो बस इसको 1 से 2 मिनट के लिए दम दे देंगे और फिर हमारी कीमे की स्पेक्टिस तैयार है। ये देखिए 1 टेबलस्पून इसमें हॉट सॉस ऐड कर लें या टेस्ट के मुताबिक, अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी चाहिए। और गार्लिक सॉस इसमें जाएगी 3 टेबलस्पून, क्योंकि स्पेक्टिस ऐड की हैं इस वजह से। ये देखिए, अगर आपके पास गार्लिक सॉस नहीं है तो आप केचप, टमाटो केचप भी ऐड कर सकते हैं, और अगर आपने नहीं करनी तो भी आप काली मिर्च को और पिसे हुए धनिया ये आप ज़्यादा कर दें ऐड एंड पे, और हॉट सॉस थोड़ी ज़्यादा कर लें। ये देखें, अब मैं इनको अच्छे से टोस्ट कर लूँगी। थोड़ा सा ऊपर से ऑयल ऐड कर दीजिएगा, मैं अभी टोस्ट करके फिर ऐड करती हूँ ताकि अच्छे से जो स्पेक्टिस हैं वो खुल जाएँ। मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। ये देखें, ज़बरदस्त ही कीमा स्पेक्टिस तैयार हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी नई रेसिपीज़ मिलती रहे। और इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मिलती हूँ नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।